इंडियन माइनॉरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में केंद्र की मोदी सरकार की वापसी को देखते हुए मुस्लिम समुदाय की चिंताओं एवं आवश्यकताओं पर एक विशेष चर्चा की गई। इस सभा में देश के तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। मैं तो बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए आया था। मौलाना नियाज फारूक साहब से मैंने कहा कि लिस्ट देखने से मालूम हुआ कि मुल्क की सारी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं यहाँ। इनामदार साहब हैं, फला हैं, फला हैं, डॉक्टर जफर महमूद साहब हैं। तो मैंने इनसे गुजारिश की मौलाना नियाज फारूक साहब से कि भाई वहाँ तो इसमें तो मौजूद रहना चाहिए, बहुत सारी काम की बातें सीखना। मुझे ऐसा ये सारी चीज़ें जितनी बता रहे हैं सब ज़रूरी हैं। इनमें जो प्रेजेंटेशन हुआ उस प्रेजेंटेशन में बताया कि 1000 में से 15 बच्चे उस लेवल पे पहुंचते हैं, जिस लेवल पे पहुंचने के बाद कोशिश शुरू होती है, जो कोशिशें डॉक्टर जफर महमूद साहब और कुछ कुछ लोग कर रहे हैं कि और आगे बढ़ाया जाए। तो और आगे बढ़ाए जाने के काबिल लोग जब 1000 में से सिर्फ 15 होंगे तो फिर उसमें से कितने आगे बढ़ेंगे? तो 1000 में से 15 को कैसे 1000 में से 100 तक पहुंचाया जाए? अभी 1000 में से 1000 की बात सोचना बेवकूफ़ी है। जब 1000 में से 15 ही पहुंच रहे हैं तो उसे कम से कम 100 तक कैसे पहुंचाएंगे अगले 5 सालों में या 15 सालों में? तो इसके ऊपर फोकस करके चाहे कमेटी बनाइए चाहे कैसे करिए, इस पर फोकस होना चाहिए। इस पर थोड़ा सा इशारा उन्होंने दिया भी कि भाई प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी स्कूल्स के ऊपर मेहनत होनी चाहिए। इस बात से भी मुझे इत्तेफाक है उनकी कि नए इंस्टीट्यूशन बनाने पर मेहनत करने के बजाय पुरानों को कैसे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे की जाए, उनकी ट्रेनिंग कैसे की जाए और टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है जो मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल्स हैं उनके मैनेजर्स को का एटीट्यूड कैसे चेंज किया जाए। जब तक उनका चेंज नहीं होगा तब तक आप टीचर्स से काम नहीं ले सकेंगे, उनका चेंज नहीं कर पाएंगे। वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है। मुस्लिम मैनेज्ड स्कूल्स हों या मुस्लिम मैनेज्ड मदरसाज हों या मुस्लिम मैनेज्ड इंस्टीट्यूशंस हों या ऑर्गेनाइजेशंस हों इंक्लूडिंग दिवितुल, सब जगह ये प्रॉब्लम है कि जो ऊपर के लोग हैं उनके बीच में, बीच के लोगों में, आम पब्लिक के बीच में जिस तरह का एक एसोसिएशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। वो जब तक नहीं होगा तब तक सारी चीज़ों में वो असर नज़र नहीं आएगा। वो एक बात। दूसरी बात, एक आखिरी बात बस, इमेज बिल्डिंग सारी चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों को अगले 15 सालों के लिए या 10 सालों के लिए या 5 ही साल के लिए एजेंडा फिक्स करना चाहिए कि हमें हर हाल में, हर फील्ड में, हर जगह इमेज बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो हमारे बारे में सामने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, परसेप्शन जो हमारा परसेप्शन बिगड़ गया है, बिगड़ा हुआ है, उसके लिए चाहे हम जिम्मेदार ना हों लेकिन उसके करेक्शन करने के लिए जो मेजर्स हमें लेने चाहिए थे वो शायद पूरी तरह से उठाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया।